नमस्कार, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम विभाजकता के नियम, इस वीडियो में हम विभाजकता के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये विभाजकता के नियम गणितीय क्रियाओं जैसे भाग, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल आदि में उपयोगी होते हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विभाजकता के नियम क्या हैं। एक संख्या भाज्य दूसरी संख्या भाजक से विभाज्य तब कहा जाता है जब भागफल एक वास्तविक संख्या हो और शेष शून्य हो। तो विभाजकता का नियम या विभाजकता में कहेंगे जब किसी संख्या मान लीजिए 48 में हम 4 का भाग देते हैं तो हमारे पास जो भागफल है और शेष फल है वो किस प्रकार आना चाहिए। जैसे 4 का भाग 48 में गया 4, एक बार गया -0, अगली संख्या ली 8, 4 2 8 -0, शेष फल हमारे पास आया है 0 और जो भागफल आया वो एक वास्तविक संख्या ही है, वास्तविक संख्या। तो ये संख्या है वो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है, यानी इसमें विभाजकता का नियम लागू हो रहा है। तो हमारे पास भागफल एक वास्तविक संख्या आनी चाहिए और शेष है वो शून्य होना चाहिए, शेष फल। सबसे पहले हम देखते हैं 2 द्वारा विभाजकता। कोई संख्या 2 से विभाज्य तब होती है जब उस संख्या का इकाई का अंक शून्य या सम हो, यानी किसी संख्या का इकाई का अंक या तो शून्य हो या 2, 4, 6 या 8 हो। ये अगर इकाई के अंक हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी, यानी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए पहली संख्या है 13, 13 में इकाई का अंक 3 है जो न तो शून्य है न सम संख्या, तो इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। दूसरी संख्या है 24, 24 में इकाई का अंक है 4 जो एक सम संख्या है, तो 24 में 2 का भाग पूरा जाएगा, तो ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तीसरी संख्या है 38, तो 38 में इकाई का अंक है 8, 8 एक सम संख्या है, तो इसमें भी 2 का भाग है वो पूरा जाएगा। इकाई का अंक सम नहीं, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें इकाई का अंक सम संख्या, तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। इसमें इकाई का अंक शून्य है तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। इस संख्या में इकाई का अंक विषम संख्या, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। और इस संख्या में 458,636 में इकाई का अंक है वो सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। इस नियम की सहायता से हम कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। अगली संख्या है 3, 3 द्वारा विभाजकता। कोई संख्या 3 से विभाज्य तब होती है जब उसके अंकों का अंक योग 3 से विभाज्य हो, यानी कोई अगर हमारे पास इस नियम के अनुसार अगर हमारे पास कोई संख्या दे रखी है तो उसके अंकों का योग है, जो योग फल आ रहा है अंकों के योग का, उसमें 3 का भाग अगर पूरा जाता है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें 3 का भी पूरा भाग जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 423, इसमें 4 और 2 को जोड़ा 6, 6 और 3 को जोड़ा 9, 9 में 3 का भाग पूरा जाता है 3 बार, तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा, यानी यह विभाजकता के नियम का पालन करेगी। अगली संख्या में अंकों का योग 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29, 29 में 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा, इसलिए यह संख्या है वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या में अंकों का योग 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 में 3 का भाग पूरा जाता है 7 बार, 7 21, तो यह संख्या है वो पूर्ण रूप से विभाजित होगी 3 से। अगली संख्या है 3 और 4 को जोड़ा तो 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 में 5 जोड़े तो 15, 15 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं 5 बार, तो यह संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अगली संख्या में 3 और 7 को जोड़ा 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 9 29 और 1 30, 30 में 3 का भाग पूरा जाता है 10 बार, तो ये संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इस प्रकार हम आसानी से किसी भी संख्या का पता लगा सकते हैं कि उसमें 3 का भाग पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। 4 द्वारा विभाजकता। कोई संख्या 4 से विभाज्य तब होती है जब उसके 2 दाहिने अंकों इकाई और दाहिक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों अंक शून्य हो।
तो इस प्रकार हमें अगर चार से विभाजकता के जानकारी प्राप्त करनी है तो किसी भी संख्या के इकाई व दाही के दोनों अंक, इकाई व दाही के दोनों अंकों से जो संख्या बन रही होती है उसमें अगर चार का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो पूरी संख्या में भी चार का भाग पूरा पूरा जाएगा। यहाँ पर 328, 328 में इकाई व दाही से संख्या बन रही है 28, 28 में चार का भाग जाता है 7 बार, 728, तो इस पूरी संख्या में भी चार का पूरा पूरा भाग जाएगा। 343, इकाई व दाही से जो संख्या बन रही है वो 43, तो 43 में चार का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो इस संख्या में भी चार का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। यहाँ पर इकाई व दाही से जो अंक बन रहा है वो 31, 31 में चार का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो इस संख्या में भी चार का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर इकाई दाई से संख्या बन रही है 36, 36 में चार का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस संख्या में भी चार का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3500, यहाँ पर भी इकाई व दाई पे शून्य है, दोनों अंक शून्य है तो यहाँ इसमें भी चार का भाग पूरा पूरा जाएगा। 4320, इसमें इकाई व दाई से अंक बन रहा है 20, 20 में चार का भाग पूरा पूरा जाता है तो इसमें भी चार का भाग पूरा पूरा जाएगा। यहाँ पर है 45, 45 में चार का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो इसमें भी नहीं जाएगा। 12, 12 में चार का भाग जाता है 3 बार तो इस संख्या में भी चार का भाग पूरा पूरा जाएगा। 5 से विभाजकता, कोई संख्या 5 से विभाज्य तब होती है जब उसका इकाई अंक 5 या 0 हो। अगर किसी संख्या का इकाई अंक या तो 5 है या 0 है तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक है वो न तो 0 है न 5 है, इसमें भी 5 का भाग नहीं जाएगा। इसमें इकाई का अंक 5 है तो इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 630 में भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 1546 में, 735 में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 4500, इसमें इकाई का अंक 0 है इसलिए इसमें भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 19647, इकाई का अंक न तो 0 है न 5 है तो इसमें भी 5 का भाग नहीं जाएगा। 6 से विभाजकता, कोई संख्या 6 से विभाज्य तब होती है जब वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि 2 और 3 दोनों 6 के घटक हैं। जब गुणनखंड करते हैं 6 के तो 2 और 3 दोनों ही उसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार ये जो नियम बनाया गया उसमें अगर किसी संख्या में 6 का भाग उस स्थिति में जाएगा अगर 2 व 3 का भाग उसमें पूरा पूरा जा रहा हो। तो इसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 72, इकाई का अंक सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। अंकों का योग 7 और 2 9, 9, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 72 में 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगली संख्या है 150, इकाई का अंक 0 है, 2 का भाग तो इसमें जाएगा। 5 और 1 को जोड़ा 6, तो 6 में 3 का भाग जाता है इसलिए 3 का भाग भी इसमें जाएगा। 2 और 3 का अगर भाग जा रहा है तो इस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। अगली संख्या है 253, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा। अगली संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक इसमें 2 है, लेकिन इनका योग 3 और 6 को जोड़ा 9, 9 और 2 11, 11 3 से विभाजित नहीं होते, इसका मतलब इस संख्या में 6 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। यहाँ पर इकाई का अंक 6 है तो 2 का भाग तो इसमें जाएगा। 3 के भाग की जानकारी के लिए 2 और 7 को जोड़ा 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस संख्या में भी 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इकाई का अंक 0, 2 का भाग इसमें जाएगा। 4 और 1 को जोड़ा 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस संख्या में भी 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इकाई का अंक विषम संख्या तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो 6 का भी नहीं जाएगा। इकाई का अंक 0, 2 का भाग इसमें जाएगा। 4 और 2 6 और 1 7, 7 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इस संख्या में भी 6 का भाग नहीं जाएगा। अब 7 से विभाजकता, यहाँ पर 7 का ऋणात्मक आर्कुलेटर 2 का प्रयोग करेंगे। 7 से विभाजकता का जो नियम है उसमें हमें ऋणात्मक आर्कुलेटर का प्रयोग करना है और वो होगा 2। इसको हम इस विधि से समझते हैं
पहली संख्या हमारे पास 119। 119 का हमें पता करना है तो इकाई के अंक को हम घटाएंगे, पीछे जितने भी अंक बच रहे हैं, जितनी भी संख्या बच रही थी, यहाँ पर इकाई के अंक के बाद 11 बच रहे हैं, तो 11 में से 9 घटाएंगे इंटू 2। इकाई के अंक को घटाना है और इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है, घटाना है ऋणात्मक इसका, तो ये हो गया माइनस और ये 2 हो जाएगा इकाई के अंक से गुणा। तो अब आगे हल करते हैं, 11 में से -18 तो माइनस के 7 आ गए, -7 है वो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं, तो इस संख्या 119 में भी 7 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। अगली संख्या है 2968। इसकी जानकारी प्राप्त करनी तो इकाई के अंक को तो हमें घटाना है, तो शेष बच रहे हैं 296 -8 इंटू आर्कुलेटर 2, इसको हम इसे गुणा कर देंगे, बराबर 296 में से घटाने हैं हमें 16 बराबर 280। यहाँ पर 280 बराबर इकाई का अंक फिर घटाएंगे, 28 -0 इंटू 2 बराबर 28 -0 बराबर 28। अब 28 में 7 का भाग है वो पूरा पूरा जा रहा है, 7 चौके 28, तो इस संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगली संख्या है 320525। इस संख्या में 7 के भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए 32052 -5 × 2, इकाई का जो अंक था उसको हमने यहाँ पर घटा लिया, बराबर 5 और 2 को गुणा किया 10, तो इस संख्या में से हमें 10 घटाना है, 32042। अब हमें फिर इकाई के अंक को घटाना है, 3204 -2 × 2 बराबर 3200। अब ये 0 है तो इसको हम जैसे जैसे घटाएंगे तो ये शेष 32 रह जाएंगे, 32 में 7 का भाग है वो पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 7 का भाग है वो पूरा पूरा नहीं जाएगा। 8 से विभाजित था, कोई संख्या 8 से तब विभाज्य है जब उसके अंतिम तीनों दाहिने अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है या वे 0 है। 8 से विभाजक तब में क्या होगा, या तो आपके इकाई दाई व सैकड़ा के जो तीनों अंक है वो 0 होने चाहिए, या इन अंकों से जो संख्या बन रही उसमें अगर 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी हो। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं, 4648, तो इसमें इकाई दाई व सैकड़ा से जो संख्या बन रही है वो 648 बन रही है, इसमें हमें 8 का भाग देना है, तो 64 में 8 का भाग है 8 8 8 64 81, इस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी 4648 में भी 4 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। अगली संख्या है 11600, तो यहाँ पर इकाई दाई व सैकड़ा से संख्या बन रही है 600 में अगर 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 7 8 56 4 0 8 5 40 75 इस संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 600 में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगली संख्या 21700, इसको हम अगर यहाँ पर 0 मानते हैं तो ये हो जाते हैं 2,70,000, तो यहाँ पर इकाई दहाई व सैकड़ा तीनों में 3 0 है, तो इस संख्या में 8 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। 9 से विभाजित था, कोई संख्या 9 से तब विभाज्य है जब उसके अंकों का अंक योग 9 से विभाज्य है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग है वो 9 से विभाजित हो रहा है तो उस संख्या में पूरी संख्या में भी 9 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। 9 की विभाजकता की जानकारी जिस प्रकार हम 3 की विभाजकता का पता करते हैं वैसे ही प्राप्त होगी, तो यहाँ पर तीनों अंकों को जोड़ते हैं, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 में 9 का भाग है वो पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में भी 9 का भाग है वो नहीं जाएगा। अगली संख्या है 4371, 4 और 3 7 7 और 7 14 और 1 15, 15 में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। 3 और 9 12, 12 और 5 17 और 3 20 और 7 27, 27 में 9 का भाग है वो पूरा पूरा जा रहा है, तो इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगली संख्या है 6 और 2 8, 8 और 7 15 और 1 16, 16 और 8 24, 24 में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा।
अभेदस्य विभाजक था, किसी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य होने पर वह दस्य विभाज्य होता है। तो ये सबसे सरल नियम है, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक अगर शून्य है तो उसमें 10 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा, इस आधार पर इसमें जाएगा इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी 10 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, सबसे सरल विभाजकता का नियम है। 11 से विभाजकता, जब किसी संख्या के विषम स्थानों के अंक योग और सम स्थानों के अंक योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो दी हुई संख्या 11 से विभाज्य होती है। 9 और 1 को जोड़ा 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, ये हो गई 17। अब 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 24 में से 17 घटाएंगे 7, 7 में 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 6 और 2 8, 8 और 1 9, 0 और 6, 6 और 3 9, 9 में से 9 बटाएं 0 आ गया। तो सम व विषम के अंकों का योग का अंतर है वो 0 आता है, तो उस संख्या में 11 का भाग भी जाएगा। अब हम 1 और 1 को जोड़ा 2, 2 और 3 5, 2, 2 4 और 2 6, 6 में से 5 घटाएं शेष आ गया 1, 1 में 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हमने 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं के विभाजकता के नियमों की जानकारी प्राप्त की है। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।